हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है, जो कि आपके चेहरे का कालापन हटाकर चेहरे को बहुत ही ज्यादा गोरा, निखरा और बेदाग बनाएगा। साथ ही आपके काले दाग धब्बों को भी रिमूव करेगा। रात में दूध में क्या मिला के लगाएं जिससे कि आपका चेहरा दूध की तरह गोरा, निखरा और बेदाग हो जाए। फ्रेंड ये बहुत ही इजी रेमेडी है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके लिए आपको सिर्फ 2 से 3 चीज़ें चाहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो फ्रेंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हम रात में दूध में क्या मिला के लगाएं जिससे कि आपका चेहरा सुबह तक दूध की तरह गोरा, निखरा और बेदाग हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें लेना है कच्चा दूध, यानी कि जो दूध हम उबालते नहीं हैं। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि चेहरे का कालापन हटाकर चेहरे को बहुत ही ज़्यादा गोरा, निखरा और बेदाग बनाते हैं और चेहरे के काले दाग धब्बों को भी रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 टेबल स्पून कच्चा दूध। जो सेकंड चीज़ है वो है रोज़ वाटर, यानी कि गुलाब जल। गुलाब जल भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और हमारे स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और चेहरे को बहुत ही ज़्यादा गोरा, निखरा और बेदाग बनाता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे सिर्फ 1 टीस्पून ही रोज़ वाटर। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रोज़ वाटर। तो फ्रेंड हमने लेना है 1 टीस्पून ही एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी हमारे चेहरे के काले दाग धब्बों को रिमूव करता है और चेहरे को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग एंड यंग बनाता है और हमारे चेहरे से रिंकल्स यानी कि झुर्रियों की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। अगर आपके पास मार्केट वाला एलोवेरा जेल है तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यह वाला ग्रीन वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास केसर चंदन वाला है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून एलोवेरा जेल और तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा नुस्खा बनके तैयार है। अब हम एक कॉटन बॉल से अपने चेहरे पे इसे लगाएंगे। इस मिक्सचर की आइस क्यूब भी बना सकते हैं और इसे फेस पे लगा सकते हैं। तो आप इसे फ्रिज में रख दें और आइस क्यूब जमा लें। तो फ्रेंड हमको एक कॉटन बॉल लेनी है और इसे अच्छे से अपने फेस पे सर्कुलर मोशन पे मसाज करनी है, और जब ये सूख जाए तो आपको सेकंड लेयर लगानी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही लेयर लगाई है, आप चाहें तो 3rd लेयर भी लगा सकते हैं सूखने के बाद। जैसे ही हमने 2nd लेयर लगाई थी वही प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद आप इसे ओवरनाइट पूरी रात ऐसे ही रखें और सुबह किसी माइल्ड फेस वॉश से फेस को वॉश कर दें। इस रेमेडी को आप 21 डेज तक अपने फेस पे लगा सकते हैं और आप 21 डेज बाद भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड ये थी मेरी आज की रेमेडी कि रात में दूध में ऐसा क्या मिला के लगाएं जिससे कि आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा गोरा, निखरा और बेदाग हो जाए और आपके चेहरे के काले दाग धब्बे भी रिमूव हो जाएं। इस रेमेडी को आपको 21 डेज तक अपने फेस पे लगाना है। आप चाहें तो इसके दूध की आइस क्यूब भी जमा सकते हैं, रोज़ वाटर की, कच्चे दूध की और एलोवेरा जेल की, जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। आपको रात को सोने से पहले अच्छे से इसे मसाज कर दी है। जैसे जैसे आप इसे, मैंने इसमें 2 कोटिंग लगाया था, आप 3 से 4 कोटिंग भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसे अपनी फेस पर लगाएंगे तो ये जो मिल्क है आपका चेहरा अपना, आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती रहेगी, पीती रहेगी, सोक करती रहेगी, जिससे क्या होगा, ये आपकी स्किन के डीपली लेयर तक काम करेगी और आपके चेहरे को बनाएगी बेहद गोरा, निखरा और आपके काले दाग धब्बों को भी रिमूव करेगी। तो जरूर ट्राई करना। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करना एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई होम रेमेडी, नए DIY या नए किसी स्किन केयर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।